सो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। फिलहाल मैं आ चुका हूँ मजे को नई वीडियो लेकर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपनी ग्रिप्स के बारे में कि कौन सी ग्रिप्स का क्या काम होता है गेम के अंदर। क्या बात कर रहे हैं? और ये भी देखेंगे कि यार कौन सी ग्रिप्स हमारे लिए बेस्ट होने वाली है। अगर हम टीडीएम प्लेयर बनना चाहते हैं या फिर एक क्लासिक प्लेयर बनना चाहते हो तो कौन सी हमारे लिए बेस्ट हो सकती है, वो भी आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। और मैं आपको कोई भी फालतू की चीज़ें नहीं बताऊंगा कि इस ग्रिप को आप यूज़ करने से आपकी जो हेडशॉट है वो इम्प्रूव हो जाएगी या फिर आपकी स्प्रे है वो जीरो रिकॉल जाने लगेंगे, बिल्कुल भी नहीं। आपको पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। बाकी यार चैनल पर कोई भी कहीं से भी नया हो तो एक सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, बस इतना सपोर्ट अपने को दिखा देना। बाकी चलते हैं यार अपने टॉपिक की ओर। अच्छा यार, कहने को अपने पास सिक्स ग्रिप्स होती है, लेकिन मोस्टली प्लेयर जो है इन तीन ग्रिप्स को ही यूज करते हैं। पहली है वर्टिकल, दूसरी है एंगल एंड तीसरी है हाफ ग्रिप। तो बात करेंगे हम अपनी वर्टिकल ग्रिप के बारे में। तो वर्टिकल का मतलब, वर्टिकल का नाम आते ही आप समझ गए होंगे कि इसका काम क्या होने वाला है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि जो हमारा नीचे से ऊपर की साइड को रिकॉल जाता है उसको ये 10% कंट्रोल करती है। अगर आप इस ग्रिप को यूज करोगे तो आपका जो ऊपर से नीचे को जाने वाला रिकॉल है वो 10% डिक्रीज हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल रिकॉल को बिल्कुल भी कंट्रोल करेंगे और ना ही फास्ट स्कोप ओपनिंग का भी ऑप्शन मिलेगा। बात करेंगे अपनी अगली ग्रिप यानी एंगल ग्रिप। पिछली वाली जो ग्रिप थी वो सिर्फ वर्टिकल रिकॉल को कंट्रोल करती, लेकिन ये वाली जो ग्रिप है ये हॉरिजॉन्टल रिकॉल को कंट्रोल करेगी, यानी जो आपके मिस शॉट होते थे लेफ्ट राइट उनको ये कंट्रोल करेगी। तो अगर आप पीक बाजी ज्यादा करते हैं, मतलब पीक वगैरह लेकर ज्यादा बंदे को मारना पसंद करते हो, तो आप इस ग्रिप को भी यूज कर सकते हो। और साथ ही इसका एक और एडवांटेज होता है कि आपकी जो एमिंग स्पीड है उसको भी काफी हद तक बढ़ा देती है। बाकी अगली जो ग्रिप होगी वो होगी हाफ ग्रिप। तो हाफ ग्रिप का काम ये होता है कि यानी कि हॉरिजॉन्टल और प्लस वर्टिकल दोनों रिकॉल को कंट्रोल करती है अप टू 10%। एंड इस ग्रिप को आप यूज करोगे तो आपका जो लॉन्ग रेंज या फिर मिड रेंज में जो फाइट होती है स्प्रे की वो काफी अच्छी जाने वाली है। और इसी के साथ ये वेपन स्टेबिलिटी एंड रिकॉल रिकवरी को भी बढ़ा देगी कुछ हद तक, और जिससे कि आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा इन गेम के। तो ये काफी अच्छी ग्रिप आपके लिए साबित हो सकती है। तो बात करेंगे अपनी अगली ग्रिप के बारे में यानी कि लाइट ग्रिप के बारे में। तो इसमें यार आपको रिकॉल मैनेजमेंट का तो कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें जो रिलोड स्टेबिलिटी है एंड मजल क्लाइम रिकवरी है वो अप टू 10% बढ़ जाएगी। और स्पेसिफिकली यार ये ग्रिप SKS के लिए बनाई गई है, यानी अगर आप एक DMR यूजर हो तो आप इस ग्रिप को यूज करके आपके जो SKS के शॉट है उसको स्टेबल कर सकते हो। जैसे कि हर एक शॉट के बाद जो झटका सा लगता है ना SKS में उसको ये कंट्रोल करती है। तो बात करेंगे हम अपनी अगली ग्रिप के यानी थम ग्रिप के बारे में। तो इसमें यार आपको थोड़ा सा रिकॉल कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है, यानी जो वर्टिकल रिकॉल है उसको अप टू 5% ये कंट्रोल कर लेगी। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो एमिंग स्पीड है यानी कि स्कोप ओपन करने की जो स्पीड है उसको ये अप 30% इंक्रीज कर देती है, और जिससे कि आपका जो स्कोप है वो बहुत जल्दी ओपन हो जाता है कंपेयर टू एनी ग्रिप। और साथ ही इसमें थोड़ा सा जो रिलोड स्टेबिलिटी है उसको भी ये बढ़ा देती है। तो ये क्लोज कॉम्बैट फाइट के लिए काफी अच्छी ग्रिप साबित हो सकती है। बाकी अगली जो ग्रिप होगी वो होगी लेजर साइट। तो इसमें यार रिकॉल कंट्रोल तो बिल्कुल भी नहीं मिलता, लेकिन इसके साथ ही ये सिर्फ फायर एक्यूरेसी के लिए बनाई गई है ग्रिप। तो बेसिकली यार ये ग्रिप जो है आपके जो बुलेट स्प्रेड है उसको कम करती है, यानी कि जो बुलेट अपनी फैलती है ना चारों तरफ के वो नहीं फैलेगी, हमारी जो बुलेट्स होगी वो एक जगह इकट्ठी होकर जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हो। हाँ तो यार फाइनल कंक्लूजन पे आता है कि हमें कौन सी ग्रिप यूज करनी चाहिए। देखो यार अपने को यार जो टाइम के हिसाब से ग्रिप को यूज करना होगा, क्योंकि हर एक ग्रिप का अलग अलग काम होता है आपको पता ही होगा। तो अगर आप एक न्यू प्लेयर या बिगनर्स हो तो आप वर्टिकल जो ग्रिप है उसको यूज कर सकते हो, और अगर आपका जो रिकॉइल है वो ऊपर की साइड में ज्यादा जाता है तो आप वर्टिकल ग्रिप को यूज कर। अगर आपका स्कोप लेफ्ट राइट जा रहा है तो आप इसको एंगल ग्रिप को यूज कर सकते हो, ये काफी अच्छा बेनिफिट देगी आपको हॉरिजॉन्टल रिकॉइल में। तो आपने देखा होगा कि जो एक्सपीरियंस प्लेयर है वो एंगल ग्रिप को यूज करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। बाकी अगर आपका ऊपर भी जा रहा है रिकॉइल और प्लस लेफ्ट राइट में भी जा रहा है, तो आप मतलब अगर आप लॉन्ग रेंज या थोड़ा मिड रेंज में स्प्रे देना चाह रहे हो तो आप हाफ ग्रिप का यूज करना, और इससे कि आपकी ये दोनों प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। वहीं पर अगर आपको टीडीएम प्लेयर बनना है तो वहां पर आपको कौन सी ग्रिप को यूज करना चाहिए। तो देखो हमने आज सीखा कि कौन सी ग्रिप का क्या काम होता है, और ये भी देखा कि यार कौन सी ग्रिप हमारे लिए बेस्ट हो सकती है अगर हम क्लोज रेंज में फाइट लेना चाहते हैं या लॉन्ग रेंज मिड रेंज कोई भी रेंज में फाइट लेना चाहते हैं कौन सी ग्रिप हमारे लिए बेस्ट हो सकती है, वो हमने आज की वीडियो में सीख लिया। तो अगर आपको टीडीएम प्लेयर बनना है तो और वहां पर आपको देखना है कि आपको कौन सी ग्रिप यूज करनी चाहिए, तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं जो कि एंड स्क्रीन में आएगी, तो उसको आप देख के वहां से सीख सकते हो कि हमें कौन सी ग्रिप को यूज करना चाहिए एज ए टीडीएम प्लेयर। तो मिलता हूं मैं आपको वहीं उसी वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बंद होते हैं ऐसे दोस्त, ऐसे दुश्मनों की जरूरत है।